वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शालू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शालू अवरल लाइफ स्टाइल्स। सो आज का व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई, सॉरी गाइस, सॉरी। वो मेरा फोन बज रहा है जरा, तो आज का व्लॉग मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 एंड मुझे जाना है अभी मार्केट शॉपिंग के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है। तो मेरे पास है लड्डू गोपाल जी, तो उनके लिए मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो गाइस चलिए मैं आपको भी मार्केट लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ अच्छी अच्छी यू नो लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस एंड उनका काफी सारा सामान। तो मिलती हूँ आपसे मार्केट में, तब तक के लिए तो गाइस देखो ये मंगाई है मेरी फ्रेंड ने चाय, इतनी सारी हम लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हम सब पी लिए थी चाय। उसके बाद मैं जा रही हूँ मार्केट अपनी फ्रेंड के साथ, मेरी फ्रेंड आप मिल सकते हैं, ये मेरी फ्रेंड है, तो हम दोनों जाएंगे मार्केट। तो मिलती हूँ आपसे मार्केट में। हम काफी हल्की हल्की बारिश हो रही है, काफी सारी शॉप जो है वो बंद हो चुकी है। गाइज आपको मेरी आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इतनी नॉइज थी यहाँ पर कि मेरी आवाज़ बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। तो हम जाएंगे जहाँ से मैं परचेज करती हूँ ना वो बहुत ही फेमस है एंड बहुत पुरानी शॉप है, तो अभी मैं लेके चलती हूँ आपको उसी शॉप पर, वहाँ से हम परचेज चीजें। तो ये आप सामने देख सकते हो लिखता है राधे कृष्ण, तो इसी शॉप पर जाने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ कस्टमर थे जो शॉप ये भी दे दो लो, कैसे ले जाऊंगा नीचे रख दो नीचे मैं पहली बार अपने बेटे को ले जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने उनसे बोला कि भैया मुझे कोई अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिखा दीजिए, इसमें कौन सा कलर अच्छा लगेगा। ग्रीन तो है उनके पास काफी सारी ड्रेसेस, क्योंकि ब्लू फेवरेट भी है उनका, ज्यादा तो ब्लू पहनते हैं हम, है ना मोर का कलर। तो उन्होंने मुझे काफी सारी वैरायटी दिखाई, इतनी सारी प्यारी। मेरा मन कर रहा था कि मैं सारी ड्रेसेस लेकर चलूं, मन का क्या करता है, मन को तो मारना पड़ता है। ये भी अच्छा है, रेंज सही बता दो भैया मुझे। सूट इसको चला भी सकते हैं, नया कब आएगा माल। ये किस रेंज में है, 220 रुपये आज तो नहीं है इतने पैसे। तो मैंने उनसे बोला कि कुछ मतलब दिखा दीजिए, डिफरेंट उनकी रेंज है 300। एक ये वाली दे दो, एक ये ब्लू दे दो और एक ये वाली दे दो। ये है इनका बैग, तो ये भी अच्छी है, आप सेम प्रोसेस कर सकते हो कि आप उसमें बैग भी बना सकते हो। गाइज मैं आ गई हूँ मार्केट से लड्डू गोपाल जी का सामान लेके। एक्चुअली अभी बज रहे हैं शाम के 6 एंड मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि बारिश आ गई थी बहुत तेज। तो मैं जहाँ पर पहले पढ़ाती थी, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है यहाँ पर मेरी सिटी में, तो वहाँ पर मैं रुक गई थी थोड़ी देर। तो मैं फिर वहाँ से गई थी अपनी फ्रेंड के साथ, वो क्लिप भी मैं आपके साथ ऐड कर दूंगी। तो गाइज मैं इस व्लॉग को आज यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ एंड आई होप कि आपने आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो परसों जाऊंगी मैं अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार करवाने, उन्होंने मुझसे बोला था कि वो 100 रुपीज़ लेंगे एंड इनका पूरा मेकओवर कर देंगे अच्छे से। तो
एक्चुअली मैंने उनसे बोला क्योंकि मैं जो हर बार अपने यू नो लड्डू गोपाल जी को तैयार करती हूँ वो अपने आई शेडो पैलेट से ही कर देती थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि इनके कलर्स जो हैं वो अलग आते हैं, तो वो जो कलर होते हैं वो एकदम परमानेंट होते हैं, वो 4-5 मंथ्स आराम से चल जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर 100 रुपीज़ में आप इतनी अच्छे से मेकओवर करोगे तो देखते हैं। परसों मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो वीडियो भी कि हम किस तरीके से वो मेरे लड्डू गोपाल जी का मेकओवर करते हैं। तो गाइज मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। बाय बाय गाइज, टेक केयर।